नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी टीईटी मामले में एक और गिरफ्तारी। यूपी एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस मालिक को किया गिरफ्तार। आरोपी राय अनूप प्रसाद को किया गिरफ्तार। दिल्ली के जीके स्थित प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है आरोपी अनूप। कोलकाता, नोएडा, दिल्ली में छपवाए गए थे पेपर। एसटीएफ ने थाना सूरजपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज कराया मुकदमा। टीईटी मामले में एक और गिरफ्तारी। दिल्ली के जीके स्थित प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है आरोपी अनूप। कोलकाता, नोएडा, दिल्ली में छपवाए गए थे पेपर। एसटीएफ ने थाना में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज कराया है मुकदमा। यूपी एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, यूपी टीईटी मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आरोपी राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के जीके स्थित प्रिंटिंग प्रेस का मालिक बताया जा रहा है आरोपी अनूप। तो देखिए, बड़ी खबर सामने यूपी टीईटी मामले में एक और गिरफ्तारी। कोलकाता, नोएडा और दिल्ली में किए थे पेपर प्रिंट। बड़ी खबर सामने, प्रिंटिंग प्रेस मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और गिरफ्तारी सामने आई है यूपी टीईटी मामले में। यूपी एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के जीके स्थित प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है आरोपी अनूप। कोलकाता, नोएडा, दिल्ली में पेपर छपवाए गए थे। एसटीएफ ने थाना सूरजपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज कराया है मुकदमा। देखिए, बड़ी खबर, प्रिंटिंग प्रेस मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी टीईटी मामले में एक और गिरफ्तारी सामने आई है, जहां प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राय अनूप को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के जीके स्थित प्रिंटिंग प्रेस का मालिक बताया जा रहा है ये। कोलकाता, नोएडा, दिल्ली में पेपर छपवाए गए थे। एसटीएफ ने थाना सूरजपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। तो देखिए, बड़ी खबर, यूपी टीईटी मामले में एक और गिरफ्तारी सामने आई है। आरोपी राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के जीके स्थित प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है आरोपी अनूप। कोलकाता, नोएडा और दिल्ली में छपवाए गए थे पेपर। तो देखिए, एक और गिरफ्तारी सामने आई है यहाँ पर यूपी टीईटी मामले से, जहाँ प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, बड़ी खबर सामने, यूपी टीईटी मामले में एक और गिरफ्तारी सामने आई है। आगे बढ़ते हैं, टीईटी परीक्षा को लेकर सीएम की परीक्षा सचिव संजय उपाध्याय को किया गया निलंबित। सीएम योगी के निर्देश पर हुई बड़ी कार्रवाई। पीएनबी ने ही किया था यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन। पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हुआ था। देखिए, बड़ी जानकारी, सीएम योगी के निर्देश पर हुई बड़ी कार्रवाई। पीएनबी ने ही किया था यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन। पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हुई थी। सीएम योगी काफी सख्त। आजमगढ़ पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तमसा मंजूषा के संगम पर महिलाओं के लिए स्नान गृह का भी शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद दलित हत्याकांड पर मायावती के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, योगी जी के शासन में कोई दोषी नहीं बचेगा। अगर कोई गलती से घटना करता है तो वो नहीं बचेगा। उन्होंने कहा, हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, हम जनता की सेवा करने आए हैं, उनको लूटेंगे नहीं। सपा बसपा शासन लोगों ने देखा है। इस बार मेरे पार्टी से 20 से 25 दलों को का गठबंधन हो चुका है। बहुत जल्द बलिया में राजभर की रैली करने आ रहा हूं। शुभम करोति कल्याणम, आज नमामि।
लोग विकास के नाम पर वोट देंगे, ईमानदारी के नाम पर वोट देंगे, गरीबों के कल्याण के नाम पर वोट देंगे, तो हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जी 400 सीट का दावा कर रहे हैं, आजमगढ़ से क्या उम्मीद है आपको? आप देखते जाओ, कुल मिलाकर हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, जनता को लूटने नहीं आए हैं। सपा बसपा शासन लोगों ने देखा। देखिए योगी जी के शासन में कोई दोषी बचेगा नहीं, कानून का राज है और कोई नहीं बचेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मेरठ स्वास्थ्य विभाग की अलर्ट हो गया है। एहतियात के तौर पर मेडिकल और सुभारती मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। इसके लिए अलग से टीम भी लगा दी गई है। वहीं विदेश से पिछले 12 दिन के भीतर आए 209 मरीजों की सैंपलिंग भी करा ली गई है, जिनमें से 80 लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट आने का इंतजार है, जबकि बाकी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हमारे संवाददाता ने CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन से खास बातचीत की। ओमिक्रॉन वायरस ने एक बार फिर लोगों की टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन मेरठ स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से ओमिक्रॉन वायरस को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मेरठ में ओमिक्रॉन को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, यही खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मेरठ के CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन जी। सर आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि ओमिक्रॉन वायरस को लेकर आप देख रहे हैं हर जगह चर्चा चल रही है, लोगों में टेंशन भी बढ़ रही है, किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे ने तैयारियां की हैं, थोड़ा सा वो जानना चाहूंगा। हमारे यहाँ हर व्यक्ति जो विदेश से आ रहा है उसकी टेस्टिंग हो रही है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी तक हमारे संज्ञान में कोई भी विदेश से आया व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया है। अगर कोई पॉजिटिव पाया जाएगा तो उस केस होम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा, तथा ऐसे व्यक्ति जो विदेश से आए उसको आइसोलेट करने के लिए हमने एक सुभारती मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल में तथा LLRR मेडिकल कॉलेज में दो वार्ड्स 20-20 बेड के बना दिए। जब तक कि रिजल्ट ना आए तब तक उनको वहाँ पे आइसोलेट किया जाएगा। इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे आप कि हाँ जो लोग सेकेंड डोज नहीं लगवा पाए हैं वो डोज लगवाएं? मैं सब लोगों से इंडिया न्यूज़ की तरफ से अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके अपनी फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र माध्यम, एकमात्र तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। तो देखिए खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरठ के CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन जी थे, जिनका साफ ये कहना है 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, इसका पालन करें, और जिस तरीके से विदेश से यहाँ पर लोग आ रहे हैं उन पर पैनी नज़र स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रखी जा रही है। हालांकि कोई घबराने की और चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें एक भी मरीज में जो नया वेरियंट आया है ओमिक्रॉन उसकी पुष्टि नहीं हुई है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ सनु शर्मा, इंडिया न्यूज मेरठ। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा है। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में करीब 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, वहीं कई लोगों ने हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें चिकित्सक हायर सेंटर रेफर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, TET मामले में रोशन सिंह ने दी सफाई। TET मामले में कौशाम्बी के आरोपी रोशन सिंह की सफाई सामने आई है। PHC लैब टेक्नीशियन को मैं नहीं जानता, आरोपी रोशन का यह कहना है। 10 लाख रुपए देने का लगाया गया है आरोप गलत, पुलिस की जांच में सहयोग के लिए तैयार। देखिए रोशन सिंह की यहां पर सफाई सामने आई है। TET मामले में कौशाम्बी के आरोपी रोशन सिंह की यहाँ पे सफाई आई है। PHC लैब टेक्नीशियन को मैं नहीं जानता, आरोपी का यह कहना है। साथ ही ये भी कहा है कि 10 लाख रुपए देने का लगाया गया आरोप यहाँ पर गलत है, पुलिस की जांच में सहयोग के लिए तैयार। आगे बढ़ते हैं, बागपत में किसान सम्मेलन में अरविंद शर्मा का बयान। BJP प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा का विपक्ष पर हमला, ज्ञान बांटने वाले नहीं जानते टमाटर प्याज में अंतर, हर हाल में किसानों की आय करेंगे दुगनी।
दूसरी सरकारों में कानून बंदूकों के बल पर वापस हुए। देखिए बयान सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के तहसील अनूपशहर इलाके के गांव खालौर में सांसद खेल स्पर्धा का समापन हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान संजीव बालियान ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले मुहावरा था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, मगर ये अब उल्टा हो चुका है। अब अगर पढ़ोगे तो सिर्फ क्लर्क ही बनोगे, लेकिन अगर खेलोगे तो अफसर बनोगे और नाम भी रोशन होगा। वहीं इस पढ़ाई को लेकर संजीव बालियान द्वारा दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहले तो कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब तो मामला उल्टा हो लिया। पढ़ने से तो कलर की बनोगे, लेकिन खेल के अफसर भी बनोगे और सम्मान भी होगा। खिलाड़ियों से बड़ा सम्मान इस देश में किसी का नहीं रहा। और अगर खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से निकल सकते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो पहले खेल विश्वविद्यालय पहले नहीं था, पहले तो कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब तो मामला उल्टा हो लिया। पढ़ने से तो कलर की बनोगे, लेकिन खेल के अफसर भी बनोगे और सम्मान भी होगा। खिलाड़ियों से बड़ा सम्मान इस देश में किसी का नहीं रहा। और अगर खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से निकल सकते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो पहले खेल विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड चीनी पलिया के अध्याशी समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि बजाज चीनी मिल पलिया ने गन्ना किसानों का पिछले सत्र का करोड़ों रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया था, जिस पर जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने चीनी मिल प्रबंधन के खिलाफ कड़ा कदम लिया है। करीब तीन लोगों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराया गया है। गोरखपुर के सर्किट हाउस में कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य वर्षा गायकवाड ने उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू की। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अब अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी ने भी गोरखपुर के सर्किट हाउस में अपने उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की। इस दौरान सबसे खास बात ये नजर आई कि 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए दावेदार नहीं थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के पास दावेदारों की एक लंबी फेहरिस्त है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की सक्रियता से कांग्रेस के टिकट के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। अब ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जोश कांग्रेस को जीत दिलाता है या फिर हार। जैसे जैसे मिशन की तारीफ, वैसे बीजेपी के साथ कांग्रेस भी अपना पूरी तरीके से दमखम भरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में गोरखपुर पहुंची महाराष्ट्र की मंत्री वर्षा गायकवाड ने जो है यहां पे स्क्रीनिंग कमेटी के तहत यहां पे स्क्रीनिंग की, क्योंकि वो स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य भी है। ऐसे में यहाँ के कांग्रेसियों के साथ बैठक करके पदाधिकारियों के साथ उन्होंने एक पूरी लिस्ट तैयार की है, जिसमें तकरीबन 12 सदर से और 14 ग्रामीण से, यानी कुल टोटल 26 कैंडिडेटों ने अपना नाम बताया है और बकायदे फॉर्म भी फिलअप किया है। अब ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से जमीन पे उतर के तैयारी कर रही है और बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में ये स्क्रीनिंग कमेटी में किस तरह से चयन होता है, कौन प्रत्याशी गोरखपुर में बीजेपी को टक्कर देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुशील कुमार, इंडिया। आगे बढ़ते हैं। यूपी TET पेपर लीक मामले में एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही है। शामली से तीन लोगों की गिरफ्तारी के बाद बागपत के बड़ौत से राहुल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने कई राज उगले हैं। उसके पास से कई एडमिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं। उसके खिलाफ बड़ौत थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब STF को शामली के बबलू और अलीगढ़ के गौरव की तलाश है। बताया जा रहा है कि बबलू ने ही लीक पेपर लाकर दिया था। बबलू और गौरव की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और STF पेपर लीक मामले में मुख्य सरगना तक पहुंच चुकी है।
पेपर लीक मामले में एसटीएफ की टीम लगातार गिरफ्तारियां कर रही है और बागपत के बड़ौत से राहुल चौधरी की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। हालांकि जब तक शामली का रहने वाला बबलू और अलीगढ़ का रहने वाला गौरव एसटीएफ के हत्थे नहीं चढ़ेगा, तब तक इस बात का सही तरीके से खुलासा नहीं हो पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है। हालांकि अब से पहले शामली से 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उनसे पूछताछ में निकल कर ये बात सामने आई थी कि बबलू ने ही पर्चा लीक कराने के बाद उनको सौंपा था। अभी इस मामले में कई और ऐसे भी खुलासे होने हैं कि जिससे ये तस्दीक हो सके कि आखिर इस गिरोह को कौन चला रहा है और अब तक वो इस तरह की कितनी परीक्षाओं में पेपर लीक भी करा चुका है। सनु शर्मा, इंडिया न्यूज में। आगे बढ़ते हैं। गोंडा में तेज रफ्तार का कहर, बिजली पोल से टकराई बाइक, हादसे में 3 लोगों की मौत। बस्ती जिले के रहने वाले हैं युवक, एक ही बाइक पर सवार थे तीनों युवक। छपिया थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में हुआ है यह हादसा। आगे बढ़ते हैं। जालौन में कृषि कानून वापसी को लेकर कथावाचक बापू चिन्मयानंद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून बिल वापस लेना सरकार का सराहनीय कदम है। बापू चिन्मयानंद का प्रधानमंत्री मोदी ने राजधर्म निभाया है। उन्होंने कहा प्रजा की भलाई के लिए कदम पीछे हटाए हैं। कहा सरकार ने MSP पर भी कमेटी बनाने का वादा किया है। चिन्मयानंद ने कहा किसानों को लेकर कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने इंडिया न्यूज के साथ।